खासियत भी कि वो सबको ऐसे बचा लेती थी आंटी, हम कुल हम लोगों को भी अच्छी अच्छी बुद्धि देती थी, कौन देगा हमें कर के बहुत रो रहा था बेटा कि चलो पापा है बेटा पापा ये गाइस बहुत दुख के साथ आप लोग को बताना पड़ रहा है कि जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोगों के ब्लॉग में देखा होगा कि जो हमारे नीचे भैया रहते हैं उनकी मम्मी का ना क्या बोलते हैं डेथ हो गया है और बहुत ही दुखी हुआ था मुझे जान के क्योंकि डेथ हो गया तो मैं नीचे व्यस्त था उन लोगों के साथ ही मतलब वहीं पर था सब कुछ देखता के रहता स्वास्थ्य क्या बोलते हैं ना बोल के सांत्वना देते हैं धैर्य देते हैं तो बस उसी में मैं लगा रहा तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता पाया इसलिए आज बता रहा हूँ। रात में भी आया तो उन लोगों से मिला बोले ठीक है मतलब बोले कि मम्मी चली गई बिना कैसे क्या होगा मैं समझाया भैया देखिए जो जितने दिन के लिए आया था उसका उसको कौन मतलब रोक सकता है लेकिन बोले हमारी मम्मी जैसे हमारी गुरु थी अब मैं मतलब अपनी मम्मी को बहुत मानते थे जो हमारे भैया हैं नीचे वाले। तो दोस्तों कुछ लोगों ने बोला कि आपके यहाँ मतलब आपके नए मकान में वो कुछ लोग कमेंट आया था कि भैया आप मतलब डेथ हो गई आप प्रमोशन का वीडियो डाल रहे थे तो दोस्तों मैं वीडियो नहीं वो वीडियो पहले से बना हुआ था तो उसका कल लास्ट डेट था तो इसलिए मैंने उसे रात में डाल दिया तो हम कहें चलो आप सुबह बता देंगे क्या रीज़न था क्या नहीं था और उनकी मतलब माता जी की कैसे डेथ हो गई। इतने अच्छे से दो तीन दिन पहले यार इतने अच्छे से मतलब बात की हम लोगों से हंस हंस के बात करी थी और जिस दिन हमारा एनिवर्सरी था उसी दिन उनके घर में उनके बेटे की वो थी 12वीं थी मतलब बरही होती है मतलब बच्चे को पैदा होने 12 दिन हो गया तो उनके यहाँ पूजा पाठ था लेकिन फिर उसी दिन सेम डे में वो हॉस्पिटल लेके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके चली गई। फिर पता नहीं अचानक से 2-2:30 बजे रात को खबर आया कि वो नहीं रही तो हम भी जब सुबह उठे तो देखें कि गए नीचे पहले देखें मतलब यहाँ जब कोई डेथ हो जाता है तो मतलब घर के बाहर ना एक टेंट सा लगा देते हैं उससे मैं पता चल गया क्योंकि मैं इतने दिन से दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ कुछ हुआ ज़रूर। तो मैं नीचे गया पूछा क्या हुआ तो मतलब उनके घर परिवार में मतलब जेंट्स में कोई नहीं था ना उनके पापा थे ना उनके दोनों भाई थे तो मैंने पूछा हाँ बोले भैया उनकी मम्मी का डेथ हो गया तो मुझे सुन के बहुत शौक हुआ कि यार कसम से यार अभी 2 दिन पहले इतने अच्छे से हंस बोल के बातें कर रही थी समझा रही थी और कोमल को भी समझा रही थी अच्छे से कि तुम सीढ़ियों पे मत ज़्यादा जुतला चढ़ा करो अपना ध्यान रखा करो खाना पीना का ध्यान दिया करो और अपने मतलब अपने भी कुछ लाइफ के बारे में बता रही थी कि तो यही सब बातें सोच के बहुत ही दुख हुआ। मम्मी भी आई थी गई थी वहाँ पे चलो तो मम्मी से ही पूछते हैं फिर हम तो फिर चले गए थे क्योंकि जब हम वहाँ से मतलब मिट्टी लेके आए फिर वहाँ से अब जो होता है क्रियाक्रम होता है सब क्रियाक्रम करने के बाद फिर अपना ले गए जहाँ ये लोग ले जाते हैं तो वहाँ से जब मैं फिर अपना फ्री होके ड्यूटी चला गया फिर आया शाम को बातचीत हुआ थोड़ा सा तो मुझे बहुत दुख हो रहा था इसे जान के इसलिए मैं दोस्तों कल आप लोग को नहीं बता पाया क्योंकि कल मैं सच में बहुत इमोशनल था और दुख था कि ऐसे ही सिचुएशन में वीडियो नहीं बना पाया था और अच्छा भी नहीं लगता है। और दोस्तों मैं आप लोग को बताऊं कि मम्मी को क्या हुआ था और बताता हूँ और देखिए मेरी मम्मी और ये बैठी हुई हैं अपना कपड़े वपड़े सब इकट्ठा कर रही हैं। मम्मी तुम उनकी मम्मी को नहीं देखी थी ना उनकी जो मम्मी थी उनको नहीं देखी थी ना आज जिस दिन मम्मी आई थी उसी दिन दोपहर में वो एडमिट हो गई थी हालत बहुत ही नाजुक था उनका और उनको दोस्तों पता है क्या हुआ था उनको ना शायद शुगर भी था और उनका पैर हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था मतलब इतने शरीर से दुखी थी उनके पापा से बात हुआ था तो बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा दुखी थी वो मतलब बहुत ही तकलीफ में थी एक दो साल से लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही उनको दिक्कत हुआ तो ICU में एडमिट किया गया था उनको। ICU में थी वो करीब मतलब 2-2:30 बजे से यहाँ चली गई थी फिर वही
12-13 घंटे आईसीयू में थी। फिर डॉक्टर ने अचानक जवाब दिया, उनके बेटे भी बता रहे थे कि हमारी मम्मी का ऐसे हाथ नहीं उठता था, तो मैंने मतलब हाथ से उठाने में बहुत दर्द होता था। मम्मी नीचे गई थी तो मम्मी उनके बेटे क्या कह रहे थे आपसे जब गई थी नीचे? बहुत अच्छा है विनय भी, या बहुत अच्छा है, ये विनय की मम्मी है। और मेरी मम्मी बहुत सरल ज्ञानवान थी, जो इसको जो देख लेती थी समझ जाती थी कि ये किस रंग का आदमी है, कैसा इसका स्वभाव है, कैसा इसका चाल चलन है। मेरी मम्मी में इतनी खासियत थी कि वो सबको ऐसे पहचान लेती थी, आंटी हमको हम लोगों को भी अच्छी अच्छी बुद्धि देती थी, फोन देगा क्या। मम्मी जानती है ना, तो हम तो चाहते हैं भैया ऐसा दुख कभी किसी को ऊपर ना आए, लेकिन क्या करें, ये तो भगवान का नियम है कि जो आया है वो जाएगा ही, जब जिसका टाइम है वो जाएगा ही। मतलब वही कह रहे कि अपनी मम्मी को हम गुरु मानते थे, बिना मम्मी के कुछ नहीं, कैसे मम्मी को बुलाएंगे हम। तो मैंने भी समझाया भैया धीरे धीरे आप भूल जाओगे, काम में बिजी रहोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, यही सब बातें थी। और सबसे ज़्यादा उनकी मम्मी का पैर मैंने देखा कल, पैर मतलब ना उनका बहुत कमज़ोर हो गया था, और जिससे वो चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। दो दो लोग पकड़ के देखे, एम्बुलेंस में चढ़ाए, सच में यार सोच के बहुत दुख होता है। मतलब 2-3 दिन में ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। कोमल तो तुमको भी कुछ समझा रही थी उनकी मम्मी जान 2 दिन पहले? हाँ, मुझे तो बहुत कुछ समझा रही थी, अच्छे से बेटा सुबह उठ के केला खाया करो, दूध पिया करो, और दोनों टाइम दूध पिया करो, ये सब समझा रही थी। और कुछ अपने अपने बारे में बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि जब मुझे बच्चा था तो कैसे क्या हम करते थे, कैसे मैनेज करते थे। तो 2 दिन पहले इनसे सब कुछ अपनी बातें अपनी मतलब अपनी जब वो मतलब अपने के साथ सोच रही थी, एक दिन ना ब्लॉग भी बनाऊंगी कि आंटी मतलब इतना अच्छा शिक्षा दे रही थी, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से तो उनका तबीयत खराब। अभी मम्मी ने बताया कि वो मतलब उनका जो तजुर्बा था वो आदमी को देख के पहचान रही थी आदमी कैसा है। तो हम लोग जब आए तो मतलब बता रहे थे कि ये विनय बहुत अच्छा है, इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, हाँ बोले थे सब अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कहे चलो आंटी आप भरोसा करी तो हम लोग जरूर खड़े तो हैं यार, लेकिन अब सब दुख हो गया, अब किससे कहने जाएंगे यार, इतना अच्छी अच्छी बातें ज्ञान देती थी, समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बस आप लोग को ये सूचना देने के माध्यम से हम वीडियो बनाए हैं कि आप लोग को पता चले कि जो आंटी का डेथ हुआ है और कैसे हुआ है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर वालों को भी हिम्मत दें। मैं यही दुआ करता हूँ, मैं जाऊँगा भी बोलूँगा, नहीं यार मैं जाऊँगा भी नीचे बोल दूँगा कि आप क्या करेंगे, जो होना था हो गया, जितने दिन के लिए जो आया था होता है, लेकिन मन नहीं मानता है दोस्तों। तो कोई नहीं, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं हम, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ओम शांति।